गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, अभी काफ़ी कैंडिडेट्स के फ़ोन एंड मैसेजेस आ रहे हैं कि इसमें हियरिंग जो 196 प्लस वाला मैटर है, तो जो पिटिशनर्स की जो हियरिंग है वो आज कितने बजे मेंशन होगी। तो मैं आपको बता दूं कि अपनी जो हियरिंग है वो लगभग 3 बजे के आसपास होगी आज, और आइटम अपना जो कोर्ट नंबर है वो 2 है, और आइटम नंबर जो है वो 390 से 420 के 412 के बीच में है, 412 से 413 के आसपास कुछ ऐसा है। तो अभी तो आप देख सकते हो कि 50D चल रहा है आइटम नंबर। तो इसमें जो है अपना 3 बजे तक जो है अपना नंबर आ जाएगा, और लगभग 3 बजे तक का ही चांस है कि 3 बजे तक जो है नंबर आ जाएगा, कोर्ट में हियरिंग अपनी शुरू हो जाएगी। ठीक है गाइस, इसके अलावा मैंने बताया था कि प्रिडिक्शन करना इम्पॉसिबल है इस केस में, क्योंकि जुडिशियल मैटर होते हैं उन पर प्रिडिक्शन नहीं की जा सकती कि क्या आ सकता है जजमेंट या क्या आएगा। हाँ, हम होपफुल ज़रूर रह सकते हैं कि हो सकता है कि अपने फेवर में ये जजमेंट आ जाए, और ये भी 99% आज चांसेस हैं कि आज जो है फाइनल आउटकम आ जाएगा इसका, क्योंकि जैसा कि जो 12 तारीख को जो एक ऑर्डर आया था उसमें ये कहा था कि आप पहले जो है आप रिजॉइंडर मांगा था, और आपसे जो उनसे आंसर मांगा था जो रिस्पॉन्डेंट है उनसे, क्योंकि उन्होंने जो है रिप्लाई फाइल नहीं करा था। रिप्लाई तो क्या फाइल करना होता है उसमें, यही था क्योंकि फर्स्ट पिटीशन में जो रिप्लाई था वही वो दूसरी पिटीशन पर देंगे, सेम ही रिप्लाई करना होता है, क्योंकि पिटीशन में जो हमने प्री करी है सारी में वो भी वही है, बस वो तो एक बहाना था कि उन्होंने जो है वो रिप्लाई नहीं करा है, तो ये सबको पता है। तो उन्होंने रिप्लाई फाइल नहीं करा था, उसके लिए उन्होंने नेक्स्ट डेट ली, तो उनको वही फाइल करना था, उसमें कुछ अलग बात तो थी नहीं, तो वो है। और बाकी रिजॉइंडर था, जिन कैंडिडेट्स को अपना वापस रिप्लाई देना था पिटीशनर की तरफ से, वो भी कर सकते थे। तो ये है गाइस, और 3 बजे तक हियरिंग हो जाएगी, जो भी अपडेट आएगी आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, तो वेट करते हैं। और मैंने आपको बताई दिया था जो जस्टिस हैं इस पर डबल बेंच हियरिंग करेगी, एम एन श्रीवास्तव जी हैं और प्रवीण भटनागर जी हैं, दोनों जस्टिस हैं, वो दोनों इसको हियरिंग करेंगे। बस प्रे करते हैं आज फाइनल जजमेंट आ जाए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, और एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।